शिमला जाते समय हिमाचल राजनीति में गेम चेंजर के रूप में उभरे कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा कुछ देर के लिए सोलन में रुके। उन्होंने कहा कि वे 16 साल तक सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर जनता के बीच मौजूद रहे और बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा की। यही कारण रहा है कि सुजानपुर के मतदाताओं ने उनका साथ दिया, जिसका ऋण वह 7 जन्मों तक नहीं उतार पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, उसको वो बखूबी निभाने को तैयार हैं। इस मौके पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने अपने आप को नेता विपक्ष की दौड़ से अपने आप को बाहर बताया और कहा कि नेता विपक्ष के लिए पार्टी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उन्हें नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इसके चयन के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे शिमला आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेवारी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की दी है, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और हिमाचल की जनता के हितों का ख्याल रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो जिम्मेवारी पार्टी सौंपेगी उसे वह बखूबी निभाएंगे। सीएलपी की मीटिंग है और प्रदेश के हमारे प्रभारी श्री सुशील कुमार शिंदे जी कल 2 बजे मीटिंग लेने वाले हैं। जैसे विधायकों की राय होगी उनके मुताबिक जो फैसला लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि सीएलपी की लीडर जो सीनियर मोस्ट हैं उन्हीं को जिम्मेवारी दी जानी चाहिए, ताकि जो है सभी को साथ लेके जो है आगे विधानसभा में जो है जो प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को फतवा जारी किया है कि आप अपोजिशन में बैठने का जो आदेश मिला है तो उसको हम बाखूबी निभा सकें और प्रदेश की जनता के हितों की हम लोग जो है पैरवी कर सकें।